मुझे जो है यहाँ पर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। विशेष समन्वयक से मैंने अनुरोध किया था दो दिन पूर्व कि यहाँ पर कंप्लीट गवर्नमेंट शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। उस बाबत डॉक्टर मनरूप सिंह मीणा जी ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को फोन करके इस बात से अवगत कराया था कि वहाँ पर पूर्ण शिक्षक जो है गवर्नमेंट के लगाए जाए, परंतु वहाँ से कोई व्यवस्था संभव नहीं हुई। वहाँ जो 14-15 लोग लगाए गए थे उनमें से 6-7 ने रिपोर्ट किया, उसके बाद कुछ ड्यूटी चेंज करके और वहाँ से उन्हें आदेश जारी कर दिए गए। उन लोगों ने यहाँ लगभग 1:15 रिपोर्ट किया है। 3:15 पर एक पर्ची भिजवाकर जिला शिक्षा अधिकारी जी ने मुझसे कहा कि आप इन 7 शिक्षकों को बदलिए। उससे पहले मैं भी बिना अनुमति के ही कुछ 2-3 लोग कमरों के अंदर जाने लगे। मैंने उनसे उनका परिचय मांगना चाहा कि आप कौन हैं, चूंकि ये मेरी जिम्मेदारी थी कि परीक्षा के अंदर कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से प्रवेश न कर सके। मुझे ये जानकारी नहीं थी कि जिला शिक्षा अधिकारी जो है फ्लाइंग स्क्वाड में आ रहे हैं, ये गेट के बाहर खड़े हुए थे। इन्होंने 3 लोगों के हाथ से पर्ची लिखवा के मुझे भिजवा दी, मैं उनको अनुमत नहीं कर सका। मैंने अपने 3:15 पर यहाँ परीक्षा कैचमेंट ड्यूटी लगा सकता हूँ, उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। और उन्होंने विश्वविद्यालय से भी ये जानकारी प्राप्त कर ली है कि 3:15 पर शिक्षकों को नहीं बदला जा सकता, क्योंकि उनके हस्ताक्षर उनकी OMR सीट पर हो चुके हैं। नहीं, क्या आपको यहाँ पर कोई ऐसी कोई खामी दिखाई दे रही है? नहीं, मुझे तो कोई कमी यहाँ पर नहीं मिली, क्योंकि मैं जो है यहाँ पर ठीक 12 बजे आ गया था। मैंने यहाँ ब्रीफिंग सत्र को भी आयोजित किया, मैंने सभी लोगों को ये कहा कि आप निष्पक्ष रहे ही नहीं, निष्पक्ष दिखने की भी पूरा प्रयास करें। किसी भी सीट पर 1 भी मिनट आपको खड़े नहीं होना है, कोई भी मोबाइल पर्ची पूरे केंद्र पर मुझे नजर नहीं आनी चाहिए और मैं लगातार रूप से राउंड ले रहा हूँ। मुझे यहाँ किसी भी तरह की कोई कमी दिखाई नहीं दी। DEO साहब ने मुझे ये बताया कि यहाँ पर 10,000 रुपये लेकर के सेटिंग की गई है, तो यदि इनके पास इस तरह के कोई पुख्ता सबूत हैं तो वो दें, और मुझे इसमें अभी भी कोई लगाने में कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जो 7 शिक्षक हटाए जाएंगे उनका रिमुनरेशन कहाँ से दिया जाएगा, इस बात के बारे में मुझे जानकारी दे दें और विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त कर लें। मेरा कोई इस सेंटर से ऐसा कोई मतलब नहीं है। सेंटर नंबर 1 था सेंट कोनार्ड। मैं एग्जैक्टली सेंट कोनार्ड पे 1 बजे पहुंचा। इमीडिएट हमें गवर्नमेंट के टीचर्स बुला करके वहाँ पे जितने भी प्राइवेट शिक्षक थे उनको रिप्लेस किया। मेरे को वहाँ पे ये व्यवस्था करने में 2 बार। उसके बाद मेरे पास कंप्लेंट थी ये केशव पब्लिक स्कूल धौलपुर, वहाँ पे मैंने प्राइवेट शिक्षकों को बदला। उसके बाद मेरे पास एक कंप्लेंट के अंदर हमें बहुत सारी जगह से मीडिया के मार्फत बार बार फोन आए कि 10,000 रुपये की सेटिंग चल रही है, वहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, फ्लाइंग कहाँ है।